ओके दोस्तों, तो मैंने इसको रिसोल्ड कर लिया है, लेकिन मैं रिसोल्ड टाइम आपको मैं दिखा नहीं सका, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि इसके जो टांके हैं लगे हुए, ये जो स्टिचेस लगे हुए हैं, ये जो लाइंस लगी हुई वाइट वाइट, ये ख़राब थी इसकी लेफ़्ट साइड से दो, ठीक है। इसको मैंने रीसोल्ड किया है, ठीक है। और मैं इसके दो जैक भी लेकर आया था कि अगर ये ख़राब हुआ तो मैं इसको लगा दूंगा दूसरे तरीके से, तो लेकिन ये यही रीसोल्ड हो गया था। तो मैं आपको बताता हूँ मुझे क्या क्या ज़रूरत पड़ी चीज़ें, ठीक है। एक कावे की ज़रूरत पड़ी है, ये होता है काविया, ठीक है। और इसके जो बिट होती है ना, आपको ये मेन चीज़ रखती है, ठीक है। ये जो बिट है आगे वाली, ये इसकी पुरानी बिट थी, लेकिन ये देखिए ये आगे से मोटी है। जो ये आगे पिन है, इसका जो कॉर्नर है इसका, मैं जूम करके दिखाता हूँ, फोकस कर लूँ, एक से, हाँ ये देखें, ये जो इसकी ये बिट है ना, ये आगे से मोटी है यहाँ से। तो ये जो न्यू लेकर आई हूँ ये बहुत पतली है, ये इससे टांका लगाने में ना इजी होता है। ये देखें ये बहुत पतली है आगे से, तो इससे इजीली आपका टांका जो होता है ना, जैक का जो स्टिचेस होते हैं वो इजीली रीसोल्ड हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, एक बिट लेकर आनी है जो आगे से कॉर्नर होता है नॉक, ठीक ना, ये बिल्कुल पतली हो, ठीक है। और सेकंड पे आपको ये पड़ेगी पेस्ट की ज़रूरत, ये आपने जाम पर भी कोई भी टांका लगाना है तो सबसे पहले आपने ये पेस्ट लगानी है। फिर उसके बाद ये सोल्डिंग वायर है, ठीक है, ये आपको टांके लगाने में मदद देती है, सॉलिड ये होगी, सोल्डिंग वायर कहते हैं इसे, ठीक है। तो आपने जब भी सही टांका लगाना हो पेस्ट का लाजमी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये पेस्ट लगाते हैं तो इजीली टांका अपनी जगह पे लगता है, आगे पीछे दूसरी उस पे नहीं लगता, जो सोल्डिंग वायर है उस पे नहीं लगता। तो अभी मैं आपको एक पुरानी वीडियो दिखाता हूँ, उस पे मैंने ये जो इसके लेफ़्ट साइड है, ये जो लेफ़्ट साइड, ये दो टांके नहीं थे, मतलब के ख़राब थे, वो अपनी जगह से ऊपर आए हुए थे। तो चार्जिंग की केबल अप डाउन करो तो फिर चार्ज होता था, उसके बाद नहीं होता था। तो इसका अभी मैंने रिसोल्ड कर दिया, ये देखिए अभी इसके सारे मैंने पॉइंट्स हैं वो रिसोल्ड कर दिए हैं, ठीक है। ये जितने 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये 7 पॉइंट के 7 मैंने रिसोल्ड कर दिए हैं। तो इन चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये रिसोल्ड इजीली हो जाता है। तो अभी हम रीपैक करेंगे मोबाइल को। तो मोबाइल को रीपैक करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, बोर्ड लगाना है, और पहले अपने कैमरे उतारे थे वो आप कैमरे दोबारा से लगा देंगे। ओके दोस्तों, तो मैंने ये कैमरे लगा दिए हैं, दोबारा से अटैच कर दिया, और इसको मैं जो फ्रेम है उसमें फिट कर देता हूँ। ये हो गया फिट, इसको मैं लगा देता हूँ स्ट्रिप्स दोबारा से, और यहाँ पर आपको 2 पेच लगेंगे जो कि मदरबोर्ड के 2 पेच हैं, वो आपने लाजमी लगाने, नहीं तो आपका मोबाइल गिरेगा या फिर कुछ भी होगा, तो मदरबोर्ड जब हिलेगा तो आपकी जो स्ट्रिपें हैं वो निकल जाएंगी, तो फिर मोबाइल दोबारा से खोलना पड़ेगा। तो बेटर यही है आपको ये पेच जितने भी हैं स्क्रू, वो आपको संभाल कर रखने हैं और दोबारा एज इट इज़ लगा देने हैं। ये एंटीने की वायर है जो सिग्नल वायर होती है। ओके दोस्तों, तो ये वायर वगैरह लग गई, अब हमने फ्रेम के अंदर इसको लगाना है। हम ये इसको यूज़ करेंगे नीचे से ताकि ये अटके ना। फिर इस तरह आपने ऊपर 1 बाय 1 इसके जो क्लिप हैं वो फिट कर देने हैं ताकि, और अब मैं इसके पेच लगा दूं तो फिर मैं आपको इसके पेच लगा के दिखाता हूँ।
ओके दोस्तों, तो मैंने ये सारे पेच लगा दिए हैं, ठीक है। अब इसमें मैं एक बार फिर से एलसीडी को अटैच करके चार्जिंग लगा के चेक करेंगे कि इसके जो पॉइंट्स हैं वो सही लगे हैं, चार्ज हो रहा है या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये रही इसकी एलसीडी, तो इसको हम लगाते हैं दोबारा से। ये रहा हमारे पास पावर बैंक जो कि इसको चार्ज करने में मदद देगा। ओके दोस्तों, तो इसकी अभी डायरेक्ट जो चार्जिंग है वो हो रही है बगैर हिलाए, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको यूं करूं, जैसे मर्जी करूं, तो ये चार्ज हो रहा है। ये मैं आपको दिखा देता हूं, अभी 77% है। तो इसको हम देखेंगे कि ये कितनी देर में चार्ज हो रहा है और पता चलेगा फिर हमें इसका। 77 है अभी भी, तो मैक्सिमम ये 1 से 2 मिनट पॉइंट लगाता है। मेरे पास भी J7 Prime है ऑलरेडी, ये भी इतने में ही टाइम लगाता है, 1 से 2 मिनट लगाता है एक पॉइंट अपग्रेड करने में, मतलब कि बैटरी का परसेंट है उसको अपडेट करने में। तो ये जैसे परसेंटेज अप होता है तो हम इसको पैक कर देंगे दोबारा से। और ये पैक करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए मैंने, आप एलसीडी को पैक करेंगे ना तो उसके लिए मैंने ये वाली गम लेकर आया हूँ। आप बेशक ये मार्केट से ले सकते हैं, 150 रुपये की मुझे मिली थी, 100 रुपये की E8000, ठीक है। ये है और ये सिलिकॉन टाइप ही होती है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है। इसमें ब्लैक कलर की भी आती है गम, तो आप देख लीजिएगा आपको जो भी सूट करती है तो वो आप वो लगा लीजिएगा। बेसिकली यही सबसे ज़्यादा चलती है, जो ट्रांसपेरेंट है वो सबसे ज़्यादा चलती है गम। तो इसका भी मैं यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपने एलसीडी को पैक करना है, ठीक है, इस गम के थ्रू। क्योंकि टेप तो इसके अंदर जो ऑलरेडी टेप लग के आ रही होती है ये बॉर्डर पे, तो वो तो नहीं मिलेगी यहाँ पाकिस्तान में, तो हमें फिर इसका यूज़ करना पड़ता है E8000 गम का, ठीक है। ये गम होती है, तो ये 78 हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो चार्जिंग है वो एक्यूरेट सही चल रही है, ठीक है दोस्तों। ये 78 हो गई है, तो अब हम इसको उतार देंगे, रिमूव कर देंगे और पावर बैंक को साइड पे कर देंगे। साइड पे करने के बाद हम पैक करेंगे इसकी एलसीडी को, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो फिर इसको हम क्या करते हैं, एलसीडी को रिमूव करते हैं और फिर गम लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपने गम लगानी है। और इसका क्लिप लगाना मत भूलना यार, एलसीडी का ये वाला क्लिप है, ठीक है, ये एलसीडी का क्लिप है, इसको लाजमी लगाना, नहीं तो फिर आपका मोबाइल गिरेगा, तो एलसीडी की स्ट्रिप होती है वो निकल जाएगी। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अगर पुरानी एक दो जो होगा बॉर्डर पे इसके अंदर गम लगी होगी ऑलरेडी, ठीक है, वो आपने क्या करना है, थोड़ी सी रिमूव कर लेना ताकि एलसीडी के ऊपर दबाव ना पड़े, आराम से बैठ जाए। ओके डन। ओके दोस्तों, तो फिर इसको हम पैक करते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, ये गन को यूज़ करने के लिए जो गम है, ठीक है, इसको सबसे पहले आपने ये जो बॉर्डर है सिर्फ इन्हीं बॉर्डर पे लगानी है गम, ठीक है दोस्तों। बस थोड़ी थोड़ी लगा दीजिएगा ताकि बैठ जाए, और सेंसर का ध्यान लाजमी कीजिएगा, ठीक है, और ये बॉर्डर पे लगेगी यूँ करके। ये बॉर्डर पे भी आप लगाइएगा लाजमी। जितना भी बॉर्डर है या वाइट वाइट, ठीक है, इसके एलसीडी के अंदर ना लगाएगा, सिर्फ बॉर्डर बॉर्डर पे लगाएगा ताकि ये आराम से बैठ जाए। तो एलसीडी का जो ये बॉर्डर है इस पे तो लग गई है गम, तो अब इस पे आपने क्या करना है,
जो स्ट्रिप है वो सबसे पहले अटैच करनी है, ठीक है। और ध्यान से कीजिएगा ताकि वो ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, और आप स्ट्रिप भी बिठा सके और गम भी ज़्यादा ना लगे इधर उधर। ओके दोस्तों, तो स्ट्रिप तो बैठ गई है, लेकिन आपने करना क्या है कि जो इसके जो ये है इसको लाजमी लगाना क्लिप को। ओके तो दोस्तों, क्लिप बैठ गया तो आपने क्या करना है, उसके बाद एलसीडी को बिठा देना है, कैमरा वगैरह देख के बिठा देना है। ओके दोस्तों, तो ये अब बैठ चुकी है, तो उसके बाद आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ओके दोस्तों, तो गम लगाने के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी इस लोशन टेप की, ठीक है, ये वाली जो पैसों वाली टेप होती है जोड़ने की, इसको आपने लगाना है। मेरे पास छोटी पड़ी थी तो इसलिए मैं छोटी यूज़ करूँगा। ओके दोस्तों, तो फिर इसको अच्छे तरीके से लगाना है ताकि जो गम है एलसीडी है वो आराम से बैठ जाए इजीली, कहीं से उठे ना और आराम से इजीली बैठ जाए। ये टेप लगाने का मकसद ये होता है जो गम होती है वो अच्छे से फ्रेम के साथ बैठ जाती है और एलसीडी को अपने साथ रिमूव नहीं होने देती, ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओके दोस्तों, तो मैंने इसको टेप्स लगा दिए, ठीक है, टेप्स के साथ पैक कर दिया। आपने देखना है कि सेंसर वगैरह बचा के रखना ताकि बाद में हम ये टेप वगैरह लगाने के बाद जो सेंसर वगैरह होता है वो लाजमी चेक करना होता है, ठीक है। अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो सेंसर चेक है वो किस तरह करना है और चार्जिंग वाला भी पॉइंट चेक करना है कि अब कैसा चल रहा है, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये हो गया स्टार। तो इसका जो चेक करने का तरीका है, ठीक है, आपने क्या करना है, स्टार हैश ज़ीरो स्टार हैश कर देना, ठीक है। तो ये चेक करने का तरीका आ जाएगा। इसको आपने क्या करना है, एलसीडी को सबसे पहले चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर एलईडी लिखा हुआ है, ये तो एलईडी की हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो एलसीडी है उसका आपने चेक करना है, ठीक है दोस्तों। रिसीवर हो गया, ठीक है, रिसीवर भी ठीक है, और ये मेगा कैम आ गया, रेड ग्रीन वाइब्रेट सेंसर टच, ये आपने क्या करना है, टच को चेक करना है, ठीक है दोस्तों, लाजमी। इससे ये होता है कि कहीं पे मिसिंग वगैरह तो नहीं हो रही है एलसीडी में। ओके दोस्तों, तो टच वगैरह बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने करना है सेंसर चेक करना, ठीक है, ये वाला, हाँ ये भी ठीक है। अब हम ये जो कॉलिंग सेंसर होता है ये वो है, ठीक है, मतलब कि चल रहा है, ये रोटेट भी हो रहा है। और अब हम इसको चार्जिंग पे लगा के देखते हैं। ओके, तो चार्ज भी कर रहा है। तो दोस्तों, तो ये इजीली चार्ज कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसको रख देना है और इसको चार्ज करके मैं फिर देखता हूँ। तो बस अभी के लिए इतना ही था। तो आप लोगों को अगर कुछ समझ ना लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।